खबर गया के प्रखंड क्षेत्र से है, जहां एक गरीब परिवार की युवती ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में सफल होकर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन किया है। दरअसल महुली गांव निवासी मोहम्मद जाफिर की पुत्री सन्नू परवीन ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में सफल होकर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर परिवार और गांव समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार की सन्नू परवीन ने सर्वोदय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय गुरारू से मैट्रिक, अनुग्रह कन्या प्लस टू विद्यालय गया से इंटर और मिर्जा गालिब कॉलेज गया से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करके पहली युवती ने पहली बार में ही सफलता प्राप्त की है। वहीं सन्नू परवीन ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता मोहम्मद जाफिर, माता हुस्ना बानू, चाचा इरशाद आलम समेत अपने चाचा, भाई, बहन और परिवार के सदस्यों को दिया है। वहीं दरोगा बनी सन्नू का परवीन सहित गांव और क्षेत्र के लोगों ने फूलों का गुलदस्ता पेश कर बधाई दी। वहीं सन्नू कहती है कि 4-5 घंटे प्रतिदिन ईमानदारी से परिश्रम करके इस तरीके की परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैंने अभी जो 2446 की बहाली हुई थी दरोगा की, उसमें क्लियर किया है। मेरी पोस्ट SI है सब इंस्पेक्टर, और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुरारू के सर्वोदय विद्या मंदिर से दी है। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट अपना गया से कंप्लीट किया है, अनुग्रह कन्या विद्यालय से, उच्च विद्यालय से, और मेरी ग्रेजुएशन मैंने मिर्जा गालिब से कम्प्लीट की है। मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उससे मेरा मतलब उसके बाद जो पुलिस सर्विस में फ़र्स्ट वैकेंसी आती है वो दरोगा के लिए ही आई थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम उसे अप्लाई किया और मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर किया है। बस जितने भी लोग हैं, वो लड़के हो या लड़का हो, सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सोसाइटी में आगे बढ़ें। बुके भेंट कर मुबारकबाद देने वालों में हो फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली, मुखिया विनय यादव, पूर्व मुखिया मोहम्मद जमालुद्दीन और एहसान हैदर आदि उपस्थित रहे।